के टॉपिक से आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस टाइप के सीज़न के बारे में या बोल लो या फिर राखी सीज़न के बारे में बात कर रहे हैं, और इस राखी हम किस टाइप की ड्रेसेस वियर कर सकते हैं इस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिंक ड्रेसेस है, यहाँ पे कई फ़ोटो शोर हो रहा होगा आपको। तो स्ट्रेचेड कुर्ती है, इसके साथ मैंने प्लाजो कैरी करा हुआ है। अभी तो चिकन की एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो इस टाइप का आप प्लाजो विथ स्ट्रेट कुर्ती वियर कर सकते हैं। और इसको मैंने एक गोल्डन पर्ल की जो ईयरिंग्स आती है उनके साथ टीम अप करा हुआ है। बहुत लाइट वेट ईयरिंग्स है ये वाली, आप चाहे तो पूरी गोल्डन या फिर पर्ल्स की ईयरिंग इसके साथ वियर कर सकते हो। इसके साथ आप एक हेवी भी कुंदन की जो ईयरिंग्स आती है उसको भी आप टीम अप कर सकते हो। और हील्स की बात करें तो मैंने इसके साथ एजेस वियर करी हुई है, थोड़ी सी प्लेटफॉर्म टाइप एजेस है वो ही वियर करी है। मेरे पास ये मस्टर्ड येलो कलर की जिगजैग इसका पैटर्न बना हुआ है, इस टाइप में आप वियर कर सकते हो। उसको मैंने ब्लैक पैंट कट के साथ टीम अप करा हुआ है। अब इसके साथ जो नैरो पैंट्स आती है उनको भी टीम अप कर सकते हैं, नैरो प्लाजोज होते हैं उनके साथ भी आप इनको टीम अप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लुक देगा। इसको मैंने टीम अप करा हुआ है एक सिल्वर ईयरिंग्स के साथ, जो झुमकी टाइप बना हुआ है। आप प्लेन जो मिरर ईयरिंग्स होती है उनके साथ भी टीम अप कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास झुमकी हो सिल्वर कलर की तो वो भी आप वियर कर सकते हैं। और नेक पीस भी आप वियर कर सकते हैं इसके साथ, जो लॉन्ग सिल्वर कलर की चेन आती है वो भी आप इसके साथ वियर कर सकते हो। और मैंने इसके साथ हेयर को टाई करा हुआ है, बिकॉज ऑफ दिल्ली में बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है तो गर्मी की वजह से सारे पागल हो रहे हैं, इसकी वजह से मैंने इसको बालों को टाई करा है ताकि जैसे काम कर रहे हैं हम या कुछ भी है तो उसमें ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए मैंने इसमें टाई करा हुआ है। अगर आप इसको भी कर सकते हो, बालों को टाई कर सकते हो इस टाइप की, और हेवी ईयरिंग्स पहन लो तो भी आपको बहुत अच्छा लुक करेगा। इसको मैंने कोल्हापुरी चप्पल के साथ टीम अप करा हुआ है, अगर आपके पास इस टाइप का ऑप्शन हो तो प्लीज़ आप डेफिनेटली वियर करें। मैंने एक स्ट्रेट कुर्ती वियर करी है, उसके साथ मैंने एक प्रिंटेड स्कर्ट वियर करी हुई है जो कि थोड़ा सा उसका शिफॉन तो नहीं बोलेंगे, जॉर्जेट टाइप मटेरियल है, तो उस टाइप की मैंने ड्रेस वियर करी हुई है। ये भी बहुत ऑप्शन है राखी के लिए, सिंपल सोबर लुक बहुत अच्छा लगेगा मुझे मेरे हिसाब से। मैंने इसको शॉर्ट स्ट्रेट कुर्ती के साथ इसलिए वियर करा है क्योंकि शॉर्ट जो कुर्तीज़ होती है उनके साथ जो स्कर्ट की लुक होती है बहुत खिल के आती है बोले, या फिर बहुत डिफरेंट लगती है, जबकि हम लॉन्ग कुर्ती वियर करें उसके उससे और इसमें बहुत कंपैरिजन करें तो इसका लुक ज़्यादा बेटर देता है, ऐसा मुझे लगता है हमेशा ही। तो मैं हमेशा ही जब प्रिपेयर करती हूँ तो शॉर्ट और कुर्ती के साथ स्कर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको मैंने सिल्वर ज्वेलरी के साथ टीम अप करा हुआ है, आप अपनी चॉइस की कर सकते हो, या फिर आपके साथ पास इस टाइप की ब्लैक कुर्ती हो और आपके साथ कोई प्लेन भी स्कर्ट हो तो भी आप इसके साथ वियर करें। और इसको मैंने अगेन मैंने इसको कोल्हापुरी चप्पल के साथ पहना हुआ है, आप इसको जूती के साथ भी पहन सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। एजेस ना ही पहने क्योंकि जितनी सिंप्लिसिटी आप अपने ड्रेस में रखोगे है उतना ही लुक आपका इन्हांस होके आएगा, क्योंकि आप उसके साथ हेवी ईयरिंग्स पहनोगे विद अगर आपको नेक पीस भी पहनना है तब भी आप पहन सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करोगे, बिकॉज जो आप हम लोग जो हेवी ईयरिंग्स पहनते हैं उसी में ही हम मतलब सारा जो लुक होता है वो सारा क्रिएट हो जाता है। तो उसके साथ आप थोड़ा बहुत टचअप करते हो, मेकअप करते हो, लिपस्टिक लगाओ, तो इसके साथ हमारा ऑटोमेटिकली जो लुक होता है वो क्रिएट ही हो जाता है। तो ये एक मेरा ऑप्शन था दे सकते हो, जिससे वेवी हेयर से जो स्कर्ट और कुर्ती का लुक है वो और अच्छा। जो फोर्थ ड्रेस है वो लेटेस्ट ट्रेंड है, मतलब अभी काफ़ी 2-3 महीने से वो बहुत ट्रेंड में है, जो कुर्तीज़ में है या कोई एथनिक वेयर में है वो है अंगरखा। अंगरखा वो होती है जहाँ यहाँ से हम टाइप करते हैं और वो पूरे घेरे में होती है, उसका सर्कल कटा हुआ होता है, देन अटैच करी हुई होती है। तो
वो भी, और उसको हम स्कर्ट के साथ भी पेयर कर सकते हैं, ऑल्सो हम उसको प्लाजो के साथ भी हम उसको वेयर कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन से हैं, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो दिख रही हूँ, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है आपको शो करने के लिए, बट मैं यहाँ पे फ़ोटो दे दूँगी जिससे आपको पता चलेगी किस टाइप का आपको अगर आपके पास हो या फिर आप परचेज़ कर रहे हो। क्योंकि राखी ऐसा सीज़न है कि जो सिस्टर्स होती है, जो मम्माज होती है, जो राखी बांधती है, तो वो नए नए कपड़े लेती ही लेती है कि यार जाना है मेरे घर, तो नई ड्रेस लूँगी, ये है वो। तो इस टाइप के जो सीजन्स होते हैं हमारे फेस्टिव सीज़न, उसमें हम कुछ ना कुछ नया परचेस करते हैं। तो क्या पता अगर आप इस टाइप की परचेस कर रहे हो तो डेफिनेटली गुड परचेस रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि खाबी बहुत दिस डे ट्रेंड्स में चल रहा है। तो आप इसके साथ कर्ल कर सकते हैं आपके हेयर्स को भी, तो आप इसके साथ हील पहन लीजिए, बहुत अच्छा लगे। इसके साथ आप हेवी ईयरिंग्स पहन लो, क्योंकि जितना हम सिंपल कपड़े वेयर करते हैं उसके साथ हमेशा हमें हेवी ईयरिंग्स पहननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि हमारे वो जो पूरा लुक है या जो पूरा आउटफिट है उस पर वो पूरी कॉम्प्लीमेंट देता है ईयरिंग्स। और उसके साथ आप हेयर स्ट्रेट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप वेव्स तैयार कर लो, वेव्स में भी बहुत अच्छे लुक कर रहे हैं। वेव्स तो आजकल बहुत ही चल रहे हैं, आप स्ट्रेट का जो स्ट्रेट बाल होते हैं उनका तो पूरा ट्रेंड ही चला गया है। जो वेव्स होती है, जो कर्ल्स होती है बालों में, वो अभी इस टाइम बहुत चल रही है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, टीवी स्टार हो, सबके आज टीवी में देखो आप सब जगह पे वो सारे जो बाल से वो अपने हमेशा कर्ल ही करे हुए दिखते हैं, या फिर उनके बाल थोड़े से ऐसे टाइप में घूमे हुए होते हैं, तो इस टाइप के भी आप कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ ऑप्शंस, अगर आपको अच्छे लगे इनमें से कोई भी ऑप्शन तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, ताकि मुझे बहुत अच्छा फील हो, या फिर मैं थोड़े सी इंस्पायर्ड हो आपके कमेंट से कि हाँ मैंने जो आपको जो सारी चीज़ें बताई है वो आपको अच्छी लगी है, तो कमेंट करिएगा ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। और आपको किसी भी वीडियोस के मतलब आपको चाहिए हो कि आपको इस टाइप की वीडियोस बनाओ, तो भी मैं उस टाइप की वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। और राखी का सेलिब्रेशन है, तो आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और बहुत सारी मिठाइयों के साथ, राखी के साथ स्पेशली राखी सेलिब्रेट करिए। और उनके लिए भी कि जो बहुत दूर रहते हैं और कभी जा नहीं पाते हैं, या फिर आपकी सिस्टर आपके पास राखी बनवाने नहीं आ रही हो, तो भाई वो भी जाना चाहिए कभी कभी राखी बनवाने के लिए, अगर वो बिज़ी है, या फिर दोनों बिज़ी है, तो आपको फ़ोन करिए, वीडियो कॉल्स करिए, और अपने रिलेशन को और मजबूत बनाइए इस राखी। सो हैप्पी रक्षाबंधन, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगी हो तो। बाय बाय।